अब हम लोगों का टॉपिक है 1857 की रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। मैंने बताया कि बड़े बड़े राज्य जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एम्पायर में मिला लिए, तो फिर एक स्ट्रगल हुआ भारत में, सब लोगों ने मिलके किया है, इसलिए इसको 57 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये दो तीन नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर कि 57 की क्रांति को कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिए और ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। और जैसे पहला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वीडी सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर बोलते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने 57 की क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम माना इन्होंने, ठीक है। तो कभी कभी बुक का नाम पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसने लिखी, या सीधे ये पूछ लेते हैं कि 57 की रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला, ठीक है। दूसरा जॉन लॉरेंस थे, इन्होंने इसको बोला कि एक सिपाही म्यूटनी है, सिर्फ ये एक सैनिक विद्रोह है, ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, रिवॉल्ट नहीं है, ये सैनिकों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट की है, सिर्फ सैनिक विद्रोह है। ऐसे ही विलियम टेलर ने इसको नाम दिया कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट ब्रिटिश, ये हिंदू और मुस्लिम लोग साथ में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र किया है, वो ये है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम है, इसको छोड़कर बाकी और भी नाम है कि आरसी दत्त थे, उन्होंने बोला कि ये कोई रिवॉल्ट भी नहीं है, कि ना तो ये रिवॉल्ट है ना तो ये विद्रोह है, ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट है इन लोगों के बीच में, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में ना। तो ऐसे ऐसे नाम थे जो इन लोगों ने दिए, ये तीन नाम बहुत पूछे जाते हैं किसने क्या दिया। 57 की क्रांति पढ़ने समझने से पहले हम लोग देखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 57 की क्रांति के बारे में कि ये हुई क्यों, तो इसलिए हम लोग पहले देखने जा रहे हैं रीजंस या कारण, इस रिवॉल्ट के होने के कारण क्या क्या थे, और इसमें हम लोग एक एक पॉइंट जो है इसका वो देखेंगे कि कैसे कैसे ये रिवॉल्ट हो रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कि अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, उसने एक पॉलिसी बनाई जिसको हड़प की नीति भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। अच्छा, इस क्रांति होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो अभी से आप समझ लो, वो था अंग्रेजों ने राजाओं को गुस्सा कर दिया, नाराज कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये राजा लोग कैसे भी हों, लेकिन ये इनके पास बहुत पावर है, और अगर ये सब एक साथ में यूनाइटेड हो जाए, संगठित हो जाते हैं, तो अंग्रेजों को बहुत दिक्कत हो जाती। और वही हुआ कि धीरे धीरे जैसे जो सहायक संधियाँ चल रही थी, ये सब चल रही थी, इसका असर हुआ। और जैसे ही डलहौजी ने हड़प की नीति बनाई, हड़प की नीति सबने सुनी होगी, हड़प की नीति ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी क्या, कि अगर भारत के किसी प्रिंसली स्टेट, किसी देसी रियासत के राजा की खुद की संतान नहीं है, खुद के का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, गोद नहीं ले सकता, और उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्लेम कर देगी उस राज्य पर। अच्छा, ये तो मतलब ये कैसी पॉलिसी हुई, ये कहीं नहीं चलती थी दुनिया में, राजा के बेटे हो ना हो, वो किसी का अडॉप्ट कर लेता था, अपने रिश्तेदारों में किसी को भी अडॉप्ट कर ले सकता था वो, दुनिया हमेशा से ये होता था, इंग्लैंड में भी ये होता था, इंग्लैंड के राजा होते थे, कभी राजा मर जाते थे तो दूसरे उसकी बहन का या कहीं का किसी को अडॉप्ट कर लिया जाता था, वो राजा बन जाता था। तो ये कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन डलहौजी ने चला दी ये पॉलिसी, और इससे भारत में अच्छा उस टाइम पे अपने आप समझो कि 1857 की बात है, बहुत से राजा लोग, एवरेज एज कितनी रही होगी, औसत उम्र, अब ऐसे कंपेयर कर लो, जैसे अभी औसत एज 70 साल है भारत में, 1950 जब देश आजाद हुआ था 51 में, तब भारत की एवरेज एज थी 32 ईयर, 32 साल औसत एज, और उससे भी 100 साल पहले आप पीछे चले जाओ, तो औसत एज क्या रही होगी आप सोचो, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होते थे जो पहले अर्ली एज में मर जाते थे, बच्चे नहीं होते थे। तो बहुत राज्यों को इस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एम्पायर में मिला लिया या क्लेम कर दिया, और इनमें कुछ के नाम पूछे जाते हैं इसमें, जैसे पहला राज्य था सतारा, इस वजह से ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेट कौन था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था। उसके बाद जयपुर, संबलपुर, कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं, ये बहुत काम के नहीं है, भगत, उदयपुर और ये झांसी 1853,
ठीक है, झांसी सबसे फेमस है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई थी वहां पे, ठीक है। तो ये दो के ईयर कम से कम एटलीस्ट पता होने चाहिए, पहला स्टेट जो मिलाया गया था और झांसी का, ठीक है, उनके ईयर तो पता होने चाहिए। ऐसे ही कुछ स्टेट थे जिनको हड़प की नीति के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया। तो राजाओं का गुस्सा, दूसरा आप समझो, अब दूसरी कंडीशन, इससे भी राजा बहुत गुस्सा हुए। क्या हुआ कि जहां पर सब चीज ठीक थी, बच्चे बच्चे भी थे राजाओं के, सब सही सिस्टम चल रहा था, उसमें भी जो अवध था, जो यूपी वाला हिस्सा, वहां पे अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या किया कि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर अंग्रेजों ने ये आरोप लगाया कि वो अवध का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, अवध का प्रशासन सही से चला नहीं पा रहा है, और अवध को मिसमैनेजमेंट के बेसिस पे, या उसको बोलते हैं कुप्रबंधन के आधार पर, कि मैनेजमेंट सही नहीं किया जा रहा है, अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया 1856 में। बहुत ईयर पूछा जाता है। अब अच्छा, जो राज्य जहां पे थे, बेटे बेटे थे, बच्चे थे, उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ये बोल देती थी कि ये काम नहीं सही से कर पा रहे हैं, इसलिए उसको मिला लिया गया। तो अवध को मिलाने से और राजा लोग डर गए कि भाई सब कुछ सही है, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह सकती है कि आप काम सही से नहीं कर पा रहे हो, और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लेम उस पर हो गया। इससे राजा लोग और गुस्सा हो गए। अच्छा, उसी टाइम पे जो डलहौजी के बाद में गवर्नर जनरल भारत में आया था लॉर्ड कैनिंग, उसने कुछ और घोषणाएं कर दी, जैसे जो मुगल एम्परर होते थे उस टाइम पे, बहादुर शाह जफर थे, उनके बाद जो भी होंगे वो एम्परर नहीं लगा सकते टाइटल, वो प्रिंस लिखेंगे अपने नाम के आगे, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे राजाओं का जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कम कर रही थी, इसलिए राजा लोग गुस्सा होने लगे। तो पहला और बहुत बड़ा कारण था कि हड़प की नीति, अवध का मिसमैनेजमेंट के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया जाना। उसको छोड़कर चलो अब दूसरी देखते हैं। इसको छोड़कर कुछ इकोनॉमिक कारण भी थे, आर्थिक कारण क्या थे कि अंग्रेजों ने भारत में खेती को और उद्योग को दोनों बर्बाद कर दिए। खेती में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, खेती में को दो तरीकों से बर्बाद किया अंग्रेजों ने। एक तो वो नकदी फसलें लेके आए, कैश क्रॉप्स, मैंने बताया था अफीम की खेती, नील की खेती, कपास की खेती, इन सब की करवाते थे। इससे भारत में अनाज की कमी पड़ने लगी, अकाल आने लगे, तो खेती बर्बाद हुई भारत की। दूसरा, अंग्रेजों ने जो एग्रीकल्चर टैक्स की पॉलिसी बनाई, जो भूमि कर की, लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी बनाई, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव, बहुत ज़्यादा शोषण करने वाली, ठीक है। तो भूमि की पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से जो किसान था वो गुस्सा हो गया पूरा। राजा गुस्सा, किसान गुस्सा। ये एग्री पॉलिसीज में आगे अभी बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज थी, क्योंकि हमें अलग से पढ़ना पड़ता, हम यहीं पे पढ़ डालेंगे एग्रीकल्चर की पॉलिसीज। अच्छा, अंग्रेजों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया भारत में। भारत में जो उद्योग चल भी रहे थे, जैसे मैंने बताया था कपड़ा उद्योग अच्छा चल रहा था, आयरन एंड स्टील का उद्योग अच्छा था, शिप बिल्डिंग का उद्योग अच्छा था, अंग्रेजों ने सब खत्म कर दिया। यहाँ तक कि शिप बिल्डिंग पे तो अंग्रेजों ने बैन भी लगा दिया कि भारत में शिप नहीं बनाए जा सकते, जो इतना बढ़िया उद्योग चलता था उस पे। तो भारत में जो उद्योग लोग कर रहे थे उनको, वो भी गुस्सा अंग्रेजों से। इसको छोड़कर कुछ ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको भी बढ़ावा देती थी। वो क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आके रिलीजियस कन्वर्जन करवाते थे, धार्मिक परिवर्तन करवाते थे, धर्म परिवर्तन होता था, इससे भी भारत में समाज में लोग गुस्सा थे कि धार्मिक परिवर्तन कराया जा रहा है। दूसरा, अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती जो 57 में साबित हुई कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ सामाजिक नियम बनाए, सोशल रिफॉर्म वाले नियम, हालांकि वो अच्छे नियम थे, जैसे अंग्रेजों ने सती को खत्म किया 1829 में, ऐसे ही विडो रिमैरिज के लिए उन्होंने कानून, विधवा पुनर्वाह के लिए कानून बना दिया 1856 में डलहौजी ने, ठीक है। तो इसका भी गलत असर पड़ा, भारत के लोगों को ये लगा कि अंग्रेज हमारे धार्मिक सामाजिक मामलों में अंग्रेज दखलंदाजी कर रहे हैं। भले ये बुराइयां थी, लोग ये कह रहे थे कि वो भारत के लोग जो हैं वो आपस वो सही करेंगे, वो कम्युनिटी या वो रिलीजन अपने आप सुधारेगा, अंग्रेजों का अधिकार नहीं है कि वो हमारे धर्म के लिए कानून बना सके, और इससे लोग और नाराज हो गए, ठीक है। तो इनका भी असर पड़ा। इसके बाद में क्या हुआ, अच्छा ये पढ़ने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले एग्रीकल्चर की पॉलिसीज जो मैंने बताया था, भूम लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत पूछी जाती है क्योंकि ये अलग से टॉपिक भी है, अलग से पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पर वो ज़्यादा सही रहता है, इसलिए समझ लेते हैं हम लोग। भारत में
टैक्स लगाने, जो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया जाता था, उसकी अंग्रेजों ने कुछ नियम बनाए, उसकी पॉलिसीज बनाई। जैसे एक पॉलिसी थी, वो इसमें स्लाइड में नहीं है, आप समझ लो, जिसको कहते थे जो बिडिंग पर आधारित थी, जिसको इजारेदारी सिस्टम कहते थे, इजारेदारी सिस्टम, या रेवेन्यू फार्मिंग बोलते थे, रेवेन्यू फार्मिंग, जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में, और ये बिडिंग पर आधारित थी। बिडिंग मतलब बोली पर आधारित थी, ऑक्शन या बिली बिडिंग पर आधारित थी। अब आप सोचो कि होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिडिंग निकालती थी, एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती थी, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगा देता कि वो इतना वसूल के दे देगा, इतना टैक्स वसूल करके किसानों से दे देगा इस एरिया में, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। अब इससे क्या होता था कि जो जितना ज़्यादा बोल पाएगा वो उतना ज़्यादा फिर फोर्स शोषण करेगा किसानों को जाके, क्योंकि उतना ज़्यादा वो टैक्स वसूलेगा जाके, और जो ताकतवर लोग थे वो लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग लगाते थे और किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाता था। तो ये ऑक्शन पर आधारित थी, जो सबसे गलत एक तरीके से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है इजारेदारी सिस्टम किसने शुरू किया था, कहाँ पर शुरू किया था, तो बिडिंग। इसको छोड़कर ये तीन बड़ी पॉलिसीज थी लैंड रेवेन्यू की, जिनमें पहला था जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, पर उसको हटा देता हूँ, ये नोट कर लेना, उसको हटाता हूँ मैं। पहला था जमींदारी व्यवस्था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं स्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवलिस, जब भारत का गवर्नर जनरल था, तब शुरू किया गया, ठीक है। इस परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी को डिजाइन किया था जॉन सोर ने, उनका नाम पूछा जाता है कभी कभी कि स्थाई बंदोबस्त को डिजाइन किसने किया था, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवलिस ने, ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसमें से एक एक पॉइंट पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर चलाया गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इधर चलाया गया। स्थाई बंदोबस्त में क्या होता है, देखो नाम से ही पता चलता है, जमींदारी सिस्टम, इसमें पूरी जमीन का जो स्वामित्व है, ऑनरशिप, वो एक आदमी को दे दी जाती है, एक हिस्से हिस्से की, अगर कोई बड़ा हिस्सा है उसकी उसकी ऑनरशिप एक आदमी को दे दी गई, वो उसका स्वामी होगा और फिर वो टैक्स वसूल करेगा। अंग्रेज टैक्स वसूल नहीं करेंगे, वो अंग्रेजों के बदले में टैक्स वसूल करेगा और अपना थोड़ा कमीशन रखेगा, बाकी टैक्स अंग्रेजों को दे देगा। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने एक नई क्लास भारत में तैयार की, नया वर्ग, अपना वफादार, जिसको जमींदार बोला गया, ठीक है, ये जमींदार होने लगे। जमींदारों को कहीं कहीं पे ये पूछा जाता है या बोला भी जाता है, बोलते हैं बुल वर्क ऑफ ब्रिटिश राज, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए वो बांध का काम करते थे। मतलब पूरा गुस्सा किसानों का किस पे फूटता था, जमींदारों पर, और अंग्रेज सुरक्षित रहते थे, जमींदार पूरा शोषण जमींदार करते थे अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट, ये स्थाई बंदोबस्त था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में चलाया गया। मैंने बता दिया कि ऑनरशिप जमींदारों को स्वामित्व दे दिया गया, ऑनरशिप, और जमींदारों को टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया किसानों से, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट था, स्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। दूसरी व्यवस्था थी जिसको बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम, 1820 में थॉमस मुंडरो ने शुरू किया इसको, और ये शुरू किया गया मद्रास, बॉम्बे और असम में, खासकर मद्रास में, साउथ में शुरू किया गया ये। रैयत का मतलब ही होता है किसान, ठीक है। इसमें क्या किया गया, किसानों को ही किस ऑनरशिप दे दी गई, ठीक है। और दिक्कत इसकी सबसे बड़ी क्या थी, इसमें ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली टैक्स वसूल करती थी, इसमें कोई मिडलमैन नहीं था, और ये सबसे एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स बन के निकला, क्योंकि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे लगभग 55% जो होता था वो टैक्स वसूल करती थी। आप सोचो, जितना उत्पादन हुआ है, जितना फसल हुई है, उसका 55% टैक्स लिया जाएगा, आधे से ज़्यादा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव मानी जाती है। तीसरी व्यवस्था जो थी, जिसको बोलते हैं माहौलवाड़ी सिस्टम, 1833 में विलियम बेंटिंक जब भारत में गवर्नर जनरल थे तब, इसको डिजाइन किया था एक, उनका नाम था हाल्ट मैकेंजी,
मैकेंजी, उन्होंने डिजाइन किया था 1893 में। ये सेंट्रल इंडिया में लगी, उत्तर भारत पंजाब की तरफ लगी। महलवाड़ी सिस्टम का मतलब ये होता है कि महल बोला जाता है पूरे गांव को। तो इसमें क्या होता था कि जो पूरा गांव होता था उस पर टैक्स किस एक व्यक्ति पे नहीं लगाया जाता था, एक गांव पे टैक्स लगा दिया जाता था। और गांव में वो सब किसान मिलकर अपने आप टैक्स दे सकते थे, किसी के यहाँ अगर खेत में कम हुआ है तो दूसरे से उधार ले सकता था, ये सब कर सकता था, एडजस्टमेंट पॉसिबल था। तो इन तीनों में सबसे कम एक्सप्लॉयटेटिव, सबसे कम शोषण वाला यही सिस्टम माना जाता है महलवाड़ी सिस्टम, जिसमें विलेज कमेटीज जो थी, कमेटी बनाई जाती थी, उनको टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम चल रहे थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये कब शुरू हुए, किसने डिजाइन किए और किस हिस्से में चल रहे थे। भारत के सबसे बड़े हिस्से में, लगभग आधे से ज्यादा हिस्से में, 51% हिस्से में रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था। ठीक है, तो पता होना चाहिए सबसे बड़ा सिस्टम यही था। और इसके बाद में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि हाँ टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको था, और टैक्स लगभग 50% सब में ही होता, 50% से कम किसी में भी नहीं होता था, ये सबसे ज़्यादा होता था 55% के आसपास रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर की पॉलिसीज थी, पहली थी इजारेदारी जो बिडिंग पर आधारित थी, और बाकी की ये तीन व्यवस्थाएँ। तो इनसे किसान परेशान थे। अब हम लोग फिर से बैक अपने उस पर जाते हैं, देखते हैं कि उसके कारण हम पढ़ रहे थे 57 की क्रांति के। ठीक है, तो ये सोशल लेजिस्लेशन तक हो चुका था हमारा, कि यहाँ तक अंग्रेजों ने सतीवती में वो किया। अच्छा, ये दो कारण ये तुरंत के माने जाते हैं, जिनको हम तात्कालिक कारण भी बोल सकते हैं, उस टाइम जो कारण हो गए जिसकी वजह से क्रांति शुरू हो गई। एक तो था भारत में जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग, उसने एक कानून बनाया, उस कानून को बोलते थे जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। होता क्या था कि भारत में अंग्रेजों के तीन गढ़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक उधर कलकत्ता, एक बॉम्बे और एक नीचे मद्रास, अगर ये भारत है ऐसे, तो तीन गढ़ थे उधर, और तीनों जगह अंग्रेजों की सेना होती थी। बंगाल वाली आर्मी जो उधर थी, ये बॉम्बे है, ये मद्रास। ठीक है, तो ये बोला ये था कि बंगाल जो आर्मी थी वो सबसे बड़ी थी अंग्रेजों की, और उसमें अंग्रेज हमेशा अपर कास्ट के लोगों को लेते थे, यूपी बिहार के लोगों को, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ऐसे लोगों को सेना में शामिल कर रखा था उन्होंने। अच्छा, उस टाइम ये एक सिस्टम चल रहा था कि भारत में ये माना जाता था कि जो सैनिक हैं वो अगर समुद्र क्रॉस करेंगे, ओशन क्रॉस करेंगे, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक वो चलता था, एक प्रथा चल रही थी कि ओशन क्रॉस नहीं कर सकते वो, तो जहाँ तक वो जमीन से जुड़ी हुई जगह है वहाँ पर तो लड़ने जाएंगे, लेकिन कभी समुद्र क्रॉस करके अंग्रेजों की तरफ लड़ने नहीं जाएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जब आया तो उसने क्या किया, ये रूल बदल दिया, उसने जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट बना दिया और बोला कि जो आर्मी में शामिल होगा उसको कहीं भी जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेगी लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, भारत के लोगों के लिए धर्म बड़ी चीज़, तो सेना में एक तरीके से असंतोष हो गया कि भाई ये तो गड़बड़ चीज़ है, ऐसा कैसे बनाया जा सकता है। एक कारण ये, दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, और सबने सुना भी होगा कि अंग्रेज एक राइफल लेके आए, इनफील्ड राइफल, जिसकी कार्ट्रिज गोलू जो कारतूस थी उसमें गाय और सुअर के मांस का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, वो कार्ट्रिज ऐसी होती थी कि उसमें जो बारूद होता था उसमें आग लगानी पड़ती थी, तो जो उसके ऊपर बारूद के ऊपर लगा होता था कवर, उसको दांत से काटना पड़ता था अग्निजी को, फिर उसमें बारूद में आग लगानी पड़ती थी। तो जब ये पता चला कि उस कार्ट्रिज में गाय और सुअर के मांस का इस्तेमाल है, तो सेना में धीरे धीरे क्या हुआ, बवाल होने लगा और लोग इसके खिलाफ होने लगे। पहली घटना कब हुई इस, हालांकि 57 की क्रांति से सीधा रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देखते हैं कि मार्च 1857 की बात है, बंगाल में ही बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थी उसमें मंगल पांडे ने इसी इशू पर गाय और सुअर के मांस का इस्तेमाल किया है, अपने सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी, उस पर अटैक किया और हमला किया और मरा नहीं था वो। ठीक है, बाद में मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी दे दी गई। ये मार्च की घटना है, अप्रैल में शायद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई और उनकी जो पूरी यूनिट थी वो हटा दी गई,
डिसबैंडन कर दी गई मंगल पांडे की यूनिट, ठीक है, ये एक अलग घटना थी। लेकिन हाँ, इससे पता चलता कि धीरे धीरे असंतोष जो गुस्सा था वो लोगों में बढ़ रहा था, और जब गुस्सा ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, तो एक बड़ी घटना हुई, और बड़ी घटना हुई यहाँ की मेरठ छावनी में। और मेरठ कैंटोनमेंट में 10 मई 1857 को क्या हुआ कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया, और रिवॉल्ट इसी बात पे हुआ, यही गाय और सुअर की बांस की चर्बी का इस्तेमाल। उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको अंग्रेज अधिकारियों ने उनको जेलों में वहीं पे अपने कंट्रोल की जो लेते उसमें बंद कर दिया। बाकी के सैनिक गुस्से में आ गए, उन्होंने रात में ही उनको छुड़ाया, और जो अंग्रेज सैनिक वहाँ पे थे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनको मारा गया और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ये डेट बहुत पूछी जाती है कि भारत में 1857 की रिवॉल्ट की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई, ठीक है। 10 मई को रिवॉल्ट शुरू हो गई मेरठ से, और अगले दिन 11 मई को ये सैनिक दिल्ली आ गए, और दिल्ली से फिर प्रॉपर रिवॉल्यूशन, प्रॉपर क्रांति शुरू हो गई। तो मंगल पांडे की घटना एक आइसोलेटेड अलग घटना थी। देखो, ये मार्च में हुई है और रिवॉल्ट हुई है अपनी 10 मई से शुरू हुई है, ठीक है। हालांकि रिलेटेड उसी से है, लेकिन ये अलग से पढ़ी जाती है। इसके बारे में कभी कभी फैक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सी छावनी थी, रेजिमेंट का नाम क्या था, मैंने लिखा था अभी 34 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, और घटना कब हुई है। और 10 मई को जब मेरठ में रिवॉल्ट हुई, और 11 मई को ये लोग आ गए दिल्ली, और यहाँ से प्रॉपर रिवॉल्यूशन शुरू हो गई। अब हम देखते हैं इसके आगे, ठीक है।